ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे माह फरवरी सन 2021 मेष राशि और एवं मेष लगन वालों के लिए फरवरी माह 2021 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। पहले ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सूर्य मकर राशि में संचार करेंगे, 12 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मंगल आपके मेष में चलेंगे और जो 22 फरवरी को आपके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपके मकर राशि में संचार करेंगे, गुरु आपके मकर राशि तो आपके मकर राशि में ही रहेंगे, शुक्र आपके मकर में रहेंगे और 21 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि आपके मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं और राहु आपके वृषभ राशि में, केतु आपके वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। अब जानकारी लेते हैं मेष राशि और मेष लग्न वाले जातकों के लिए सन 2021 फरवरी माह कैसा रहेगा। तो इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, मेरी आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इसको शेयर जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो अंत में इसको लाइक करें और वीडियो के अंत में बोलें जय श्री हनुमान जय श्री राम। तो मेष राशि और लग्न के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको आपके स्वास्थ्य की जानकारी देंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ऑल ओवर ठीक रहेगा। थोड़ी पेट की और पित्त की प्रॉब्लम, थोड़ी बैक पेन, थोड़ी आपको रक्त संबंधित और थोड़ा आपका उत्तेजना, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो लेकिन ये नॉर्मल स्थिति में रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। ऑल ओवर स्थिति फिर भी संतुलित रहेगी और मेंटली मानसिक स्तर भी आपका बराबर बना रहेगा। तो ऑल ओवर देखें तो हेल्थ की दृष्टि से थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम तो है लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, तो स्थिति आपके अनुकूल है, आपके फेवर में है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी फैमिली और फाइनेंस की। फैमिली और फाइनेंस की स्थिति में यह है कि आपके 22 तारीख तक स्थिति आपकी मजबूत है। वहाँ पर आपके वहाँ के लॉर्ड जो आपके शुक्र हैं वह आपके अभी मकर राशि में संचार कर रहे हैं 21 तारीख तक और 21 के बाद फिर लाभ स्थान में चले जाएंगे। तो ऑल ओवर देखें तो आप तो आपकी धन धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, आपके धन कोष में वृद्धि होगी, फाइनेंशियली फाइनेंशियली आप तरक्की करेंगे और पैसे का आगमन, पैसे का स्रोत और आपका जमा कोष, आपका धन बढ़ेगा, फैमिली वालों से आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा और कोई फाइनेंशियली और कोई पैसे की धन की सपोर्ट भी आपको आपके परिवार वालों से मिल सकती है और आपके परिवार में आपका माहौल बिल्कुल ठीक रहेगा। तो स्थिति आपके थोड़े अनुकूल है लेकिन 22 फरवरी के बाद थोड़ी वहाँ मंगल जब आपके गोचर करेंगे 22 फरवरी को तो वहाँ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी घटित हो सकती है लेकिन फिर भी कोई घबराने चिंता की बात नहीं, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ऑल ओवर स्थिति फैमिली फाइनेंस और घर परिवार वालों की आपकी ठीक रहेगी, परिवार वालों का लाभ सहयोग आपको मिलता रहेगा, मिलेगा निश्चित रूप से। उसके बाद बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस की स्थिति है कि आपके बुध कि आपके 10th प्लेस में चले गए तो आपके पराक्रम की स्थिति बनी रहेगी, स्थिति आपके फेवर में है। लेकिन 4 फरवरी से आपके जो बुध है तो वह आपके वक्री हो जाएंगे, लेकिन बुध वक्री होने पे भी तो आपको अच्छा ही फल देंगे। तो आप ये मानिए आपका पराक्रम, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, आपके छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, आपके क्लिक तो उनका सपोर्ट मिलेगा, जब कोई थोड़ी तो आपके आसपास की आपकी यात्राएं भी हो सकती है और उनसे आपको लाभ बेनिफिट मिलेगा और जो आपके क्लिक हैं, आपके सहकर्मी हैं, उनसे लाभ, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा और आपका पराक्रम बना रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा और पराक्रम और अपने आत्मविश्वास के बल पर तो आप जो योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप ख्याति प्राप्त करेंगे। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की दृष्टि से स्थिति आपकी यह है कि यहाँ पर आपके देव गुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि पड़ रही है और वहाँ पर आपके सूर्य की भी दृष्टि है तो आपके 12 तारीख तक, तो स्थिति ऑल ओवर आपकी बहुत शुभ है और वहाँ पर आपकी शुक्र की भी स्थिति है तो आपके शुक्र की भी दृष्टि है तो भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर तो आपको कोई लाभ बेनिफिट आपको मिल सकता है। अचानक से कोई वाहन खरीद सकते हैं, अचानक से कोई मकान लेने की आपकी योजना बन सकती है और वह आपकी निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना बनी रहेगी और घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, कोई लग्जरी आइटम बढ़ेंगे और घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, स्थिति आपके फेवर में है। तो भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी से लेकर आप
उनका अगर कोई कार्य करते हैं, जो लोग डीलर हैं, सेल परचेस का कार्य करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें भी सफलता मिलने की स्थिति आपके अनुकूल है और यहाँ आपको सफलता ही सफलता आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद हम आपके संतान पक्ष की बात करें तो संतान पक्ष के लॉर्ड आपके दसवें घर में आपके सूर्य है तो आपके 12 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद फिर आपके वो 11th हाउस में चले जाएंगे और आपके 12 को तो वहां भी स्थिति आपके अनुकूल है तो आपको संतान पक्ष का लाभ मिलेगा, संतान का आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। और जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको भी लाभ प्राप्त होगा, तो उनको संतान की प्राप्ति होगी, उनका प्रसव उनका सुख पूर्वक हो जाएगा और साथ में तो आपकी संतान तरक्की करेगी तो उनके विवाह शादी के कोई संबंध बन सकते हैं, विद्या में तरक्की, एजुकेशन में तरक्की और साथ में उनका तो उनका कोई जॉब लगना, कार्य व्यवसाय बनना, कार्य व्यवसाय में तरक्की, तौल और संतान पक्ष को लेकर स्थिति ठीक है। और जो जातक प्रेम संबंधों में उनके लिए भी स्थिति अनुकूल है, प्रेम संबंध कंटिन्यू कीजिए या कोई नए प्रेम संबंध भी आपके बन सकते हैं और जो प्रेम संबंध है तो वह आपकी विवाह शादी में भी तब्दील हो सकते हैं, तो स्थिति आपके फेवर में कंटिन्यू कीजिए, एक दूसरे का लाभ बेनिफिट सपोर्ट मिलेगा और आपके संबंधों में तो मजबूती आएगी, तो इससे पहले जो डिफरेंसेस चल रहे थे वह आपके दूर हो जाएंगे, तो स्थिति आपकी बिल्कुल फेवर में बनेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी अच्छी स्थिति है कि आप किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, आगामी उसके अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, आप कॉन्सेंट्रेशन से अपनी पढ़ाई करेंगे और आगामी उससे आपको लाभ प्राप्त होंगे, तो विद्या बुद्धि के लिए उन्नति तरक्की अच्छे मार्क्स लेकर पास होना तो ये सब संभावना है। नौकरी पक्ष वालों की बात करें तो स्थिति बिल्कुल बेहतर है, अचानक से कोई नौकरी लगने के योग लगे, बहुत टाइम से प्रयासरत हैं और नौकरी नहीं मिल रही, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं और आप वहाँ फेल हो रहे हैं तो उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगा और क्योंकि स्थिति आपके फेवर में है। और ऋण रोग की अगर स्थिति बनी हुई, कोई ऋण है, कोई रोग है, या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो इन तीनों बाधाओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी, तो आपको ऋण भी उतरता हुआ नजर आएगा, तो आपको रोग से मुक्ति मिलेगी, तो आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं या तो उनसे भी आपको शांति मिलेगी और आपके शत्रुओं का दमन होगा, उनके ऊपर आपका वर्चस्व बना रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति भी तो बिल्कुल शुभ है और खासतौर से आप ये मान के चलिएगा कि आपकी तो 21 तारीख के बाद तो स्थिति और अच्छी हो जाएगी, 21 तारीख तक भी ठीक रहेगा लेकिन 21 तारीख के बाद स्थिति और अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम है कि आपके 12 तारीख तक आपको सूर्य ने तो यहाँ पर आपके बुध को भी पावरलेस किया हुआ है, अस्त किया हुआ है और आपके शुक्र को भी अस्त किया हुआ है और यहाँ पर सूर्य की वजह से आपके शनि भी अस्त हैं और साथ में आपके गुरु भी जो मकर राशि में वह भी आपके अस्त हैं, 17 तारीख को अस्त हो जाएंगे। तो चार चार घरे आपके यहाँ पर सूर्य से अस्त हो रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि आपके काम धंधे कार्य व्यवसाय में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन दाम्पत्य सुख की अभी हम बात कर रहे थे तो दाम्पत्य जीवन में जो आपको जीवन में लाभ बेनिफिट सपोर्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा जो आपके पार्टनर उनको थोड़ी हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जिससे आपको तकलीफ और डिस्टर्बेंसेस कोई क्रिएट हो जाए आपको और थोड़े मतभेद भी उभर कर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑल ओवर जो स्थिति है 70% तक तो आपके फेवर में रहने वाली है। कोई विवाह शादी के नए सूत्र बन सकते हैं और जो आपके प्रेम संबंधों में तो उनके भी कोई विवाह शादी के संबंध में तब्दील हो सकते हैं और तो स्थिति ठीक है। और अगर कोई आप साझेदारी बिजनेस में कोई बिजनेस को पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए उसको अवॉइड कर दीजिए, तो उसके बाद फिर आप इसको 21 तारीख के बाद तो आप उसको कीजिएगा कि तो निश्चित रूप से आपको लाभ बेनिफिट सपोर्ट मिलेगा और आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी और आप अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति करेंगे, आप तरक्की करेंगे। उसके बाद फिर आपको कहीं से कोई आपको गुप्त धन कहीं ब्लैक मनी की भी आपको प्राप्ति हो सकती है और साथ में भाग्येश की अगर बात करें तो भाग्यस्थान यहाँ पर आपको सपोर्ट तो कर रहा है लेकिन गुरु जो आपके जो भाग्येश हैं वह आपके 17 तारीख को अस्त होने जा रहे हैं और ये सूर्य की वजह से अस्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपके भाग्य उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं आएंगी। जो प्लानिंग योजना बनाकर आप कार्य करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी बाधाएं थोड़ी आपको उत्पन्न हो सकती हैं, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं और थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ से जो आपको पूजा पाठ की तरफ से वहाँ से भी आपका मन विचलित हो सकता है, लेकिन आप अपनी पूजा पाठ करते रहें, भगवान की तरफ थोड़ा ध्यान लगाएं और थोड़ा पूजा पाठ चैरिटी की थोड़ा धर्म धर्म ये थोड़ा धर्म कर्म ये दान आप करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और ये स्थिति भी आपकी बहुत दिन नहीं रहेगी तो आगे स्थिति आपकी बिल्कुल फेवर में बन जाएगी। अब हम कार्य व्यवसाय की बात करते हैं तो यहाँ कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यहाँ पर आपके बुध गुरु शनि और शुक्र यह चार ग्रह सूर्य ने आपको अस्त कर दिया और यहां से
तो आपके शुक्र तो आपके 21 तारीख को निकल जाएंगे और सूर्य आपको यहाँ पर आपके 12 तारीख को आपको 12 तारीख को निकल जाएंगे। तो यह जो जो फिलहाल जो तो सूर्य की वजह से जो आपके ग्रहस्थ हो रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी आपको काम धंधों में थोड़े से संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, थोड़े संघर्ष अधिक हो जाएंगे और ये लाभ थोड़ा कम मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन यह स्थिति आपकी कुछ समय तक रहने वाली है, बाद में स्थिति बिल्कुल आपके अनुकूल हो जाएगी, आपके फेवर में हो जाएगी। फिर यह आप मान के चलिएगा कि आपकी 12 तारीख के बाद तो आपके 12 फरवरी के बाद फिर स्थिति आपकी सामान्य स्थिति में आने लग जाएगी और आप कार्य व्यवसाय में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आप कोई नया कार्य व्यवसाय भी कर सकते हैं, उसमें वृद्धि भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं, तो आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। उसके बाद लाभ की दृष्टि से स्थिति ठीक है, आप लाभ गेन करेंगे, अचानक से आपको बड़ा लाभ भी मिल सकता है और इनकम के स्रोत आपके बनेंगे जिससे आपका सोर्स ऑफ इनकम के तो आगामी और ऑलवेज के लिए आपका बनता रहे, ये तो निश्चित रूप से आपको लाभ के लाभ बेनिफिट मिलेंगे, प्रेम संबंधों में लाभ मिलेंगे। और लेकिन जो जाता है बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कतों का परेशानियों का सामना कर करना पड़ सकता है, लेकिन ये बहुत लंबे समय के लिए है, लंबे समय के लिए नहीं है, थोड़ी दिनों में स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी, आपके फेवर में बनेगी और फिर आप विदेशों से भी आप लाभ प्राप्त करेंगे। ट्रैवलिंग की दृष्टि की बात करें तो वहाँ से भी थोड़ी यात्रा आदि से आप थोड़ा सा अगर कोई कार्य करते हैं या बाहर विदेशों से आपका संबंध है, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का आप कार्य करते हैं या आप अपने देश में ही कोई नौकरी आपकी ऐसी है तो या आपका बिजनेस ऐसा है कि आप एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं और आपका बिजनेस के कॉन्टेक्ट हैं तो या आपकी नौकरी से संबंध है तो वहाँ पर थोड़ी सी तलखी आ सकती है, थोड़े से कॉन्टेक्ट आपके तो आपके वहाँ पर कॉन्टैक्ट थोड़े खत्म हो सकते हैं, जो आपके पुराने संबंध हैं उनमें थोड़े मतभेद ऊपर कर आ सकते हैं कि थोड़ा पैसा आपका कहीं फंस सकता है, अटक सकता है, कि थोड़ा सावधानी रखें और थोड़ी सतर्कता बरतें, सतर्क रहें और थोड़ा संयम पूर्वक अपने कार्यों को करें तो आगामी फिर आपको लाभ प्राप्त होंगे। और जेल कोर्ट कचहरी के अगर कोई मुकदमे आपके कोई चल रहे हैं और कोर्ट कचहरी से संबंधित तो उनमें भी थोड़ा सावधानी रखें और थोड़ा पैसे का लेन देन करते हुए खास ध्यान रखें और कम से कम गुरुवार को तो अपने हाथ से किसी को पैसा मत दें कि नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। तो वैसे स्थिति आपके ऑल ओवर अनुकूल है। देखिए जहाँ तक बात करें मेष राशि वाले जातकों के लिए ऑल ओवर तो स्थिति आपकी मान के चलेगा कि 60-70% तक अनुकूल है और अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके फेवर में चल रही है तो स्थिति आपकी 80-90% तक आपके फेवर में जाएगी और अगर वहां पर स्थिति अनुकूल नहीं है तो ये इफेक्ट आपको 20-30% ही आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण करा लें किसी सुयोग्य ज्योतिष से। अगर आप हमसे विश्लेषण कराना चाहते हैं तो बहुत मतलब थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा कर आप हमसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं जिससे आपका मार्गदर्शन होता रहेगा और आपको लाभ गेन करते रहेंगे। अब हम आपको बताएंगे आपके अशुभ तिथियों के बारे में, उसके बाद आपको बताएंगे थोड़े से आपको सूक्ष्म से उपाय बताएंगे जिससे ग्रहों के थोड़े बहुत दुष्प्रभाव आपको जो मिलते हैं तो उससे आप बचे रहेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। अब हम बात करते हैं अशुभ तिथियों की। तो अशुभ तिथि जो आपकी बनती है वह आपकी 24-25-26 तारीख और 26 तारीख को 12:30 बजे तक। यह आपका चौथा चंद्रमा, इसमें भूमि मकान वाहन से संबंधित आपको लेन देन मत करें वरना आपको लाभ की वजह आपको नुकसान होता तो हो सकता है कि नई गाड़ी घर में आप मत लाएं, नए घर में प्रवेश मत करें 24, 25, 26 और 26 तारीख को आधा दिन 12:30 बजे तक। उसके बाद 6-7 तारीख को आपका 8वां चंद्रमा, कोई चोट फेट दुर्घटना आदि और कोई बीमारी से ग्रस्त होना तो ये सब चीजें क्रिएट हो सकती हैं। उसके बाद 14, 15, 16 तारीख तो ये ट्रैवलिंग आदि से बचें, कोर्ट कचहरी कोई मुकदमों से बचें तो किसी लेन देन से बचें तो निश्चित रूप से आप इससे बाहर आ जाएंगे। बात करते हैं उपाय की, तो उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए तो आप क्या करें, ओम गं गणपते नमः 108 times तो आप इसका जाप करें और साथ में तो ओम भ्रं बृहस्पते नमः 2 मंत्रों को आप जाप कीजिएगा और साथ में आप सूर्य को प्रतिदिन आप जल दीजिएगा और साथ में काली चींटियों को और पक्षियों को आप खिलाते रहें तो निश्चित रूप से जो ग्रहों के थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उससे आप बचाएंगे। ओम गं गणपते नमः और ओम भ्रं बृहस्पते नमः इन मंत्रों का जाप कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और घरों की शुभता आपको प्राप्त होगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।